हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वॉल टाइल लगाने का प्रोसेस क्या है। मान लिया हमारा ये वॉल है जहाँ पे हमें टाइल लगाना है, तो यहाँ पे हम 2 दिन कंटिन्यू सुबह और शाम तराई करेंगे। उसके अगले दिन हम यहाँ पे वॉल टाइल लगाएंगे। वॉल टाइल मान लिया आज हमें लगाना है, तो सबसे पहले हम उसे भिगो देंगे पानी में। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर हम कैसे करेंगे, ये हमारा सरफेस है जिसे हमें पहले गुनिया में करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारा ये वाला वॉल है, ये वाला ये वॉल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सूता लेंगे, इस दीवार से इस दीवार में बांध देंगे, यहाँ से इस दीवार से इस दीवार में बांध देंगे। और इसे यहाँ करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ 3 फीट, यहाँ से यहाँ 4 फीट, यहाँ से यहाँ 5 फीट। इसके बाद ये आपका गुनिया बनेगा। तो गुनिया बनेगा तो आपको ये मिलेगा 1 फीट, इस दीवार से यहाँ 1 फीट, इस दीवार से यहाँ 1 फीट, ये भी यहाँ से 1 फीट, यहाँ से 1 फीट, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। अब हम इसे प्लास्टर कैसे करेंगे, यहाँ से हमें 1 फीट मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 इंची का प्लास्टर रखें। तो यहाँ पे नीचे इस साइड पे हम एक बूंदा लगाएंगे और इस साइड पे भी एक बूंदा लगाएंगे, और फिर यहाँ से नाप के देखेंगे कि 11 इंची मिले हमें, यहाँ से 11 इंची मिले। फिर ऊपर का कैसे होगा, बूंदा हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से साहुल किसे गिरा के इस वाले पॉइंट से इसे साहुल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी बूंदा यहाँ है ऊपर मार के प्लास्टर के लिए थोड़ा सा, और बूंदा यहाँ से यहाँ साहुल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल गुनिया में हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड का भी करेंगे ऊपर नीचे, इसी तरीके से इस साइड का भी करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका ये साहुल में हो गया प्लस आपका ये जो सरफेस है गुनिया बन गया। जैसे इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, 5 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों इक्वल आना चाहिए आपका, तो इससे आप गुनिया कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट है, ये वॉल और ये वॉल जो है यहाँ से आप डिस्टेंस नापोगे वॉल टाइल लगने के बाद, तो आपका बराबर आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका बराबर मिलेगा। ये चीज यहाँ से यहाँ, ये चीज यहाँ से यहाँ, आपका वॉल टाइल लगने के बाद इक्वल मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है, और प्लस आपका ये जो सरफेस है ये गुनिये में मिलेगा। अगर आप यहाँ पे वॉल फ्लोर टाइल लगाएंगे तो ये आपको स्क्वायर में दिखेगा। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकली। इसमें एक बेनिफिट और है, जिससे आप ये अगर गुनिया में हो जाता है तो यहाँ पे जो वॉल टाइल का जो एक किनारा वाला पार्ट आता है, यहाँ पे बहुत बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे ये प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो आपको आप प्रैक्टिकली समझाते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए, ये हमारा वॉल है जहाँ पे ये वॉल टाइल लगा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 2 दिन कंटिन्यू सुबह और शाम क्यूरिंग किया। उसके बाद हमें वॉल टाइल लगाना है। वॉल टाइल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टाइल को पहले पानी में भिगो देंगे। अब हमें यहाँ पे प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले हम इसे गुनिया करेंगे। तो गुनिया करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सूता लेंगे, इस यहाँ से यहाँ बांध देंगे, यहाँ से ऐसे, और इधर भी ऐसे एक सूता यहाँ से वहां बांध देंगे। इसके बाद जो हमने सूता बांधा है इसे हमें गुनिया में करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 साइड 3 1 साइड 4 और दूसरे साइड हमें 5 लाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुनिया हो जाएगा। आप इसे मीटर में, फिट में या इंच में कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मान लिया हमने यहाँ से ऐसे सूता बांधा है और ये हमने गुनिया कर लिया है 3 4 5 को ऐसे। तब हम इस दीवार से इस दीवार सूता नापेंगे तो हमें 1 फीट मिल रहा है। हमने अज्यूम कर लिया कि हमने 1 फीट पे ही रखा और यहाँ से भी 1 फीट मिल रहा है। तो हमें इस वॉल पे प्लास्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लिया कि हमें 1 इंच का प्लास्टर करना है इस वॉल पे। तो यहाँ से सूता से हम लेंगे नीचे की ओर, यहाँ पे हम बूंदा लगाएंगे, यहाँ से लेंगे 11 इंच पे सूते से। यहाँ हमने सूता बांध रखा है, यहाँ से 11 इंच, यहाँ से भी 11 इंच। इसी तरीके से अगर हमें ऊपर की ओर करना है, यहाँ पे हम मसाला छापेंगे, मसाला छाप के हम नीचे वाले बूंदे को साहुल कर लेंगे, तो हमारा बराबर आएगा। इसी तरीके से इस कोने पे भी कर लेंगे, तो हम ये वॉल हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट साहुल में हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड और इस साइड करेंगे जो हमने सूता बांधा उससे नाप के। तो इस तरीके से हम इसे साहुल और गुनिया में करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका ये जो सरफेस है ये भी आपको गुनिया स्क्वायर में दिखेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से हल्का ये टेढ़ा वेढ़ा दिखता है, जिससे फ्लोर टाइल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये गुनिया में ना हो तो यहाँ पे अगर कट पीस लगता है तो वो यहाँ पे तो
यहाँ पे तो कम दिखेगा लेकिन यहाँ से ऐसे ज्यादा, फिर कम ज्यादा ऐसे होते हुए दिखता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।